हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुरजीत और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ग्रामरली का आप कैसे यूज़ कर सकते हो और ये आप कितना बेनिफिट है ये आपके लिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, ग्रामरली को आपके ग्रामरली की वेबसाइट पे जाना है, grammarly.com। ठीक है, मैं दिखा देता हूँ। ये आपकी वेबसाइट होगी, मेन वेबसाइट। जब आप इस पर फर्स्ट टाइम विजिट करोगे तो आपके लिए ऐसा आएगा, आप इसको ऐड टू क्रोम कर देना, ठीक है। उसके बाद ये आपको नेक्स्ट पेज पे लेके जाएगा और आपको लॉगिन वगैरह डिटेल बताएगा। और यहाँ से भी आप इसको लॉगिन और रजिस्टर कर सकते हो, यहाँ का भी ऑप्शन है, आप लॉगिन रजिस्टर कर सकते हो। उसके बाद ये आपको सजेशन देगा क्रोम एक्सचेंज करने का। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ, अगर आप इसके अंदर लैपटॉप में बेसिकली ये बना हुआ है, क्योंकि हर बंदा जो भी टाइपर होता है वो लैपटॉप में टाइप करता है, मोबाइल में टाइप नहीं करता, इसलिए ये जो ग्रामरली बेसिकली यूज़ होता है लैपटॉप के लिए, डेस्कटॉप के लिए, और कंटेंट राइटर के लिए, जो भी कंटेंट लिखता है या ग्रामर लिखता है या लेटर लिखता है या फिर ईमेल राइटिंग लिखता है, तो ये उसके लिए हेल्प करता है। सबसे पहले क्या करना है, आपको इसके ऊपर विजिट करना है और आपको इसको लॉगिन लॉग आउट करना है। सो लॉगिन का और लॉग आउट का यहाँ से आपको ऑप्शन मिल जाएगा। फेसबुक से लॉग इन लॉग आउट कर सकते हो एंड कंटिन्यू विद गूगल से भी कर सकते हो, एप्पल का आपके पास आइडिया है तो उससे भी कर सकते हो, ठीक है। सो मैंने क्या कर रखा है, मैं आपको यूजली अपनी पर्सनल लेके चलता हूँ। यहाँ पे मैंने एक ग्रामरली का प्लगइन यूज़ कर रखा है। आप इसको जैसे यहाँ पे आपको इसने सजेशन दिया था कि यूज़ फॉर दैट, मैं इसको यहाँ पे भी ऐड कर लेता हूँ। सारा सिस्टम शुरू हो गया अपने मेल आईडी पे क्लिक करके। यहाँ पे मैंने क्लिक किया, अब ये मेरे को डायरेक्टली रिडायरेक्ट कर देगा ऐप grammarly.com पे, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे जब आपको आ जाओगे तो यहाँ पे ये सजेशन दे रहा है आप ऐड टू क्रोम कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। मैं इसको करूँगा, उसके बाद मैं आपको बेनिफिट दिखाऊंगा। यहाँ पे भी आपको बेनिफिट दिख रहा है ये जो इन लोगों की जिफ चल रही है। सो ऐड टू क्रोम करूँगा मैं इसको फर्स्ट ऑफ ऑल। ये यहाँ पे ऐड पे ऐड हो जाएगा और ये देख रहे हो ये ऐड हो रहे हैं। ये ऐड हो गया यहाँ पे। इसका बेनिफिट क्या है वो अभी बता देती हूँ मैं आपको। ये यहाँ पे लेके जाएगा, रिडायरेक्ट कराएगा, लुक फॉर ग्रामर लो वेलकम वगैरह सारी चीज़ें बताएगा, ठीक है। डाउनलोड ग्रामरली कौन कौन से यूज़ कर सकते हो, विंडो के लिए भी है, माइक्रोसॉफ्ट के लिए भी है, और प्लान फलाना ठिकाना बहुत सारी चीज़ें हैं इनकी, ठीक है, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा। सो अभी मैंने यहाँ पे देख रहा हूँ, यहाँ पे मैंने कुछ नहीं कर रखा है। यहाँ पे इनकी तरफ से एक डेमो कंटेंट दे रखा है लोगों ने कि ये ऐसे ऐसे कंटेंट होता है, तो इसके ऊपर मैंने क्लिक किया। अब ये मेरे को सजेशन कैसे देगा, हमने आर्टिकल कैसे लिखना है, ये सब चीज़ें होती है, मैं बताता हूँ आपको फ्रेश लिख के। पहली चीज़ें तो ये मैं बता दूँगा अभी आपको, एक मिनट बैक करो, इसको ओपन करो न्यू टैब में। न्यू टैब में ओपन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल प्लस इस पर क्लिक कर दो, वो न्यू टैब में ओपन हो जाता है, और इसको मैं यहाँ ओपन करता हूँ। अब इसका जो बेनिफिट क्या है, जब आप लेटर लिखते हो या फिर किसी को आपने कोई ईमेल के लिए पहले से टेम्पलेट बना के रखते हो या फिर कोई कुछ भी नोट वोट लिख रहे हो, तो क्या करना पड़ेगा, आपको इसका टाइटल दे दो, ठीक है। टाइटल में क्या दे देता हूँ, मैं यहाँ से सब कुछ कॉपी कर लूँगा, डेमो कंटेंट, ये यहाँ पे डेमो कंटेंट मैंने इसका टाइटल ले लिया, द बेसिक्स, ये ना यूज़ करके आप इसको अभी यूज़ कर सकते हो। कॉपी किया मैंने, यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे आपको चीज़ें भी मिल रही है कुछ कि आप इसको टाइटल को बड़ा कर सकते हो, H1, H2, और लिंक लगा सकते हो, आप किसी और चीज़ से अपना लिंक लगा सकते हो, इस पर आप बोल्ड कर सकते हो, इटैलिक कर सकते हो, अंडरलाइन कर सकते हो, ठीक है। और कितने वर्ड का आर्टिकल लिखा है वो भी यहाँ पे दिखा रहा है, और यहाँ पे आपको दिखा रहा है 600 की आपने इतने आर्टिकल में 6 गलतियाँ करी हैं। सो वो क्या गलतियाँ हैं, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे लेके जा रहा हूँ हमको ये डायरेक्टली ऑटोमेटिकली, ये जहाँ जहाँ मिस्टेक्स होंगी यहाँ पे हमको दिखाता रहेगा साइड साइड में। और सो यहाँ पे लेके आ गया ये हमको, अब इस पर क्लिक करेंगे तो ये कंटेंट है ना, ये जो मिस स्पेलिंग हो रही है यहाँ पे दिखा रहा है कि क्या क्या हमने यहाँ पे मिस्टेक्स कर रखी है, यहाँ पे डबल एस लगेगा वो लगाना है, इस पर जैसे क्लिक करेंगे ये रेड हट जाएगा, हट गया, 5 हो गए अलर्ट, पहले 6 थे। आप इफेक्ट पे लेके आए, लेफ्ट पे क्लिक करेंगे ये भी हट जाएगा, कॉमर्स पे ये भी हट जाएगा, इस पर ये भी हट जाएगा। सो ये क्या कहता है, हमारी छोटी छोटी जो गलती होती है ना उसको कवर करता है, जो बहुत ही अच्छा प्लगइन है ये और टूल्स है, इसका आप यूज़ कर सकते हो, बहुत ही बढ़िया प्लगइन है। और इसका बेनिफिट क्या था, एक मैं एक और बेनिफिट बता देता हूँ मैं आपको। जब आप लेटर वगैरह राइटिंग लिखते हो ना तो नॉर्मल वर्ड का यूज़ करते हो, बट ये आपको सजेशन दे सकता है और भी अच्छे से अच्छे वर्ड का, लाइक इशू, अगर आपका कोई प्रॉब्लम है इशू,
इश्यूज के सिनेम्स क्या होंगे यहाँ पे दिखा रहा है कि क्वेश्चन से रिलेटेड पॉइंट्स, प्रॉब्लम्स, कंसर्न्स, मैटर्स, सब्जेक्ट्स, एडिशन, नंबर्स, कॉपीज, एडिशन, ये आप इस सबको यूज़ कर सकते हो इशू की जगह पे, ठीक है। सिनोनिम्स है, क्वेश्चन से रिलेटेड सिनोनिम्स है, एडिटेशन से, रिजल्ट से रिलेटेड, सो ये सब चीज़ें आपके लिए हेल्प कर सकती हैं ग्रामरली का अगर आप यूज़ करते हो तो। एंड आई विल सजेस्ट यू यू शुड यूज़ दैट। बट यहाँ पे जो सजेशन आ रहा था वो खाली अगर आप ग्रामर के इस वेबसाइट पे आकर लिखोगे तो ही आएगा, वरना यहाँ पे सजेशन नहीं, अगर कहीं और लिखोगे तो नहीं आएगा। मैं एग्जांपल एक और दिखा देता हूँ। मैं एक वेबसाइट पे गया wordcounter.net, ये भी कंटेंट की वेबसाइट है। यहाँ पे ये जो कंटेंट है मैंने इसको हटाया और जो चीज़ें मैंने यहाँ पे कॉपी करी थी सेम है, उतना ही चीज़ें यहाँ पे भी कॉपी करूँगा, फिर आपको बेनिफिट दिखेगा आपको इसका। ये यहाँ पे भी मेरे को दिखा रहा है, यहाँ पे भी छः एडिट दिखा रहा है। सो ये इसी चीज़ का है, यहाँ पे ऑप्शन नहीं है इसकी तरह जैसे इनके प्लेटफॉर्म पे है, इन पे ऑप्शन नहीं है। तो इसलिए आप क्या करोगे, आप अपना माउस लेके जाओगे यहाँ पे या और ये आपको सजेशन ऑटोमेटिकली देगा, क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है आपको सजेशन देगा, आपको उस पर राइट करना है। माउस लेके जाओगे इफेक्ट पे, ये ऐसे करेगा, सो कॉम्स प्रोनाउंसिएशन ईडी, सो इट विल वेरी हेल्पफुल पर्सन। और ये जो ये यहाँ पे जो अभी मिस्टेक्स हुई है उसको क्लियर करने के लिए आपको प्रोनाउंसिएशन है, उससे आपको हेल्प मिल जाएगी। और ये हर चीज़ पे वर्क करता है जहाँ भी आई राइटिंग राइटिंग काम में, लाइक आपका ईमेल वगैरह सब जगह पे वर्क करता है, तो बहुत अच्छा प्लगइन है। आई विल रिकमेंडेड यू यू शुड यूज दैट। ओके, सो थैंक यू सो मच दोस्तों। अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और कोई भी किसी भी चीज़ से कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कमेंट में बता देना, मैं इसके ऊपर आपको पूरी वीडियो बना के दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो बाय, गुड नाइट।